एनएस 200 एंड डोमिनार 400 दोनों का फ्यूजन निकाला है, डोमिनार 250। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग, कैसे काय मुंबई एंड एम छो। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं डोमिनार 250 को। आप लोगों ने मेरे चैनल पे जैसे देखा रहेगा कि लॉकडाउन के पहले जैसे डोमिनार 250 लॉन्च हुआ था वो टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे मुझे डोमिनार 250 चलाने का चांस नहीं मिला था, जो कि रिसेंटली ही मुझे मिला एंड फिर मैंने उसको चलाया, मैंने ऑब्जर्व किया एंड इसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में उसकी पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, किस किस को ये लेना चाहिए, किस किस को ये नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जो टाइम पे मैं डोमिनार 250 चला रहा था वो टाइम पे मेरे पास कैमरा नहीं था। यस, मैंने ऑफिस में ये चीज़ किया था, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो उसके वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉजिटिव चीज़ों के साथ। सो लुक डोमिनार 400 जैसा ही है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, आपको डोमिनार 400 जैसा ही फिट एंड फिनिश मिलता है। इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, इंजन के अंदर वाइब्रेशंस कम है, गियर शिफ्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड इतना ज़्यादा लाइक सॉफ्ट नहीं है, बट ओके है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा है। डोमिनार 250 का हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, स्पेशली हाई स्पीड पे भी जब आप चलाओगे तो आपको एकदम से स्टेबल फील करवाता है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ उसका वेट। प्राइस डोमिनार का काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर 250 cc। सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छा है, मैं डोमिनार 400 चला था उसके इस बीच से ही आपको बोल रहा हूँ। डोमिनार 250 में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, बट आपको पता है कि पीछे का जो ब्रेक है वो एज़ यूजुअल बजाज का सेम प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी पीछे का जो ब्रेक है उसका बाइट इतना अच्छा नहीं है। फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा है बट रियर ब्रेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सिटी के अंदर माइलेज आपको, सिटी ट्रैफिक के अंदर माइलेज आपको 28 to 32 आराम से मिल जाएगा एंड हाईवे पर जब आप चलाओगे इसको डिसेंट स्पीड में तो आपको मिल जाएगा 36 to 40 km/h। इंजन का हीट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है बजाज की ओर से, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। अब ये हो गया पॉजिटिव चीज़ें, अभी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इसके अंदर गियर पोजीशन सिस्टम है नहीं। यस, जैसे डोमिनार 400 के अंदर था इसके अंदर नहीं है। वेट आपको सिटी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लाइक ऑफकोर्स उसका वेट ज़्यादा है, वो एक नेगेटिव पॉइंट में ही आता है, बट अगेन ये इसको आप पॉजिटिव पॉइंट में भी ले सकते हो जब भी आप हाईवे के ऊपर चलाने वाले हो तब। यस, हाईवे के ऊपर आपको ये वेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आप आराम से 100-120 क्रूज कर सकते हो एंड टूर कर सकते हो। यस, एक और चीज़ है कि इसके अंदर फीचर्स लेस दिए हैं कंपेयर टू डोमिनार 400। इसका टैंक साइज़ छोटा है, अगेन मैं आपको बोलूँगा 12 लीटर का ही है, अगर 15 लीटर का होता तो काफ़ी अच्छा होता टूरिंग के लिए भी एंड सिटी के लिए भी। तो पहला तो चीज़ ये है कि जैसे डोमिनार 400 के मुकाबले आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में लाइक वाइसा वर्सा 19-20 देखने मिलेगा, वो इसीलिए क्योंकि वो लोग कॉस्ट कट कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्रंट डिस्क कम हो गया, छोटा हो गया, रियर टायर छोटा हो गया और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने के बाद लगेगा कि लाइक ये डोमिनार 400 के जगह पे कुछ और चीज़ हो गया। ऑफ कोर्स बजाज ने क्या किया है कि डोमिनार 400 का पूरा फुल बॉडी लेके उसमें 250 cc का इंजन फिट कर दिया है एंड फिर सेल कर रहा है। मेरे हिसाब से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि NS 200 एंड डोमिनार 400 दोनों का फ्यूजन निकाला है डोमिनार 250। आप लोग क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके बताना। अब किसको ये बाइक लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एक बाइक देख रहे हो जो कि आपको सिटी में चलाना है, आपको टूरिंग करना है एंड आपका बजट 2 lakh के अंदर है, जिसके अंदर आपको डिसेंट पावर एंड आपको स्टेबिलिटी मिले हाईवे पे एंड पिलियन के साथ, या फिर आपको कहीं हिली रीजन पे जाना है जहाँ पे आपको ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो वैसी जगह के लिए डोमिनार 250 आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सिटी के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यस, बट जैसे जैसे मैं यूज़ टू हो गया वैसे थोड़ा टाइम बाद आप भी यूज़ टू हो जाओगे, ऐसा कोई भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगा। डोमिनार 250 उन लोगों के लिए ज़्यादा डील रहेगा जो लोग 60% सिटी के अंदर एंड 40% हाईवे पे चलाने वाले हैं, टूरिंग करने वाले हैं, लाइक मंथ में एक या दो बार कहीं पे जाके रिटर्न आने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए डोमिनार 250 काफ़ी अच्छा डील रहेगा। यस, अगेन ये चीज़ वैल्यू फॉर मनी भी है, बाइक
तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग 2 लाख से अपना बजट बढ़ा सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन रोड का, एक्स शोरूम का नहीं, अगर आप अपना ऑन रोड बजट थोड़ा सा बढ़ा पाओ तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा गो फॉर डोमिनार 400, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी बाइक है, पावर अच्छा है, पिकअप अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। थोड़ा सा हैवी वेट है कंपेयर टू डोमिनार 250, लेकिन वो 6-7 किलो से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को क्या बोलते हो इस डोमिनार 250 के बारे में, नीचे कमेंट कर देना। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय एंड गुड लक।